टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल देम. आपने अपने इमोशंस और फीलिंग्स अपने कंट्रोल में रखनी होती हैं, तो इससे बड़ी और खुशी नहीं हो सकती. शायद मेरा जब टेस्ट टीम में पहली दफ़ा नाम आया था तो मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि मेरे एक रन हो या 10 रन हो, वो मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो, और इस चीज़ का अलहमदिल्ला कि आज हुआ है, तो मैं उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ. नहीं मुझे था, क्योंकि हमारी जितनी भी डिस्कशन होती है कि जब भी हमारा 7-8 आता है तो वो बाउंसर स्टार्ट कर देते हैं, तो इस दफ़ा मैंने जो बाहर मैंने इशारा किया था वो मैं बता के गया था कि मैंने कहा जो मर्जी कर लें, आज जिधर भी बॉल लगेगी मैं जाऊँगा, बाउंसर खेलूँगा आज. देखें मेरा हमेशा से हार्ड वर्क पर बिलीव रहा है, हमेशा से, और मैं कभी भी एक्सक्यूजेस के लिए नहीं जाता, चाहे टीम में हूँ या ना हूँ. तो मेरा यही होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है, अपने जितने भी आपके क्रिटिक्स हैं या जो भी हैं, उनको आप खामोश करा सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये बेस्ट वे है उनको चुप कराने का. और जहाँ तक बात परफॉर्मेंसेस की है, टेस्ट डेब्यू, T20 डेब्यू, PSL का, तो अल्लाह का शुक्र है, जब आपने मेहनत की होती है और आपने होमवर्क किया होता है तो आप प्रीटी कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी. जब आपको वो स्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो फिर आपको उस तरह का वो प्रेशर नहीं होता. हफीज भाई से बात हो रही थी तो मैं 5 मिनट भी मुझे मिले तो मैं